अस्सलाम वालेकुम। आज इसका कॉलर लगा के दिखाते हैं। कॉलर में भी टाइपिंग है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉलर को ये जो मार्जिंग है ना बिल्कुल कट कर लेंगे। ये कॉलर का बिल्कुल जितना स्टेप है अपना हम कपड़ा कट कर लेंगे। हम इसको बारीक सा पाइपिंग के लिए कपड़ा कट करेंगे। अभी यहाँ से हम इस तरह रखेंगे, आधा दाब से भी थोड़ा कम रहेगी। सिलाई को थोड़ा बारीक कर लेंगे। पलटने के बाद कुछ पैकिंग इस तरह दिखेगी। हम इसको क्या करेंगे, पहले कपड़ा को कट कर लेंगे और यहाँ पे चटका मारेंगे। यहाँ पे तीन जगह चटका मारेंगे गुलाई के पास, तभी हमारे ये पलटी होगी सही से। इसको हम जेड में सिलाई मारेंगे। अभी ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है हम इसको खींचेंगे ताकि ये कपड़ा नीचे रिंकल ना रहे, रिंकल क्लीन हो जाए। उसको अब मार्जिन को कट कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जेब में सिलाई मारेंगे। कॉलर हम यहाँ से लगाएंगे। हम पहले क्या करेंगे, ये अस्तर को और मेन पल्ला को दोनों को अटैच कर लेंगे। एक सिलाई मार के उसको बाकी मार्जिन को कट कर लेंगे। इधर का गला गोल जैसा दिख रहा है, इधर का गला सही से गोल नहीं हुई है। तो आप यहाँ पे कपड़ा खींच लिया है, हम यहाँ पे थोड़ा इसको गोल करेंगे। यहाँ से
ये साइड पर उल्टा साइड से चलाएंगे, क्योंकि पाइपिंग बनाए ना इसमें तो पाइप नहीं दे सकते। ये चक्का पहले से मारे थे, अब ये चक्के के ऊपर इसको अंदर डाल देंगे। अब इसको ऐसे पल्ला नीचे का कपड़ा खींचेंगे ऊपर से सिलाई मारते हुए। कॉलर कुछ इस तरह दिखेगा और सामने पट्टी कुछ इस तरह दिखेगा, क्योंकि इसमें अभी प्रेस नहीं लगी है। प्रेस लगने के बाद अच्छा दिखेगा, जब इसमें बटन लग जाएगी प्रेस पूरा कंप्लीट कर देंगे तो फिर आपको वीडियो बना क्या दिखाएंगे। अभी तो इसमें बहुत भारी वाला काम तो प्रेस का है, मेन तो इसका प्रेस का कमाल रहता है। इसमें स्टिचिंग कम रहती है, प्रेस का काम ज़्यादा रहता है। तो आज हमारा कंप्लीट हो गया, मेरे कोट का कॉलर लगाना है, शेरवानी का कॉलर लगाना था, ये आज कंप्लीट हो गया है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। कोई भी सवाल है कमेंट कीजिए।